हमारे देश भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है, जिन्हें हम आदर सम्मान से गंगा मैया कहते हैं और श्रद्धा प्रेम के साथ पूजा करते हैं। धार्मिक महत्व के साथ साथ गंगा नदी का वैज्ञानिक महत्व भी है। गंगा नदी दुनिया का एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पानी कभी भी खराब नहीं होती है और नदी में किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया नहीं पाई जाती है। इसीलिए गंगा जी के पानी को अमृत जल भी कहा जाता है, जिसे पीने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे महत्व से परिपूर्ण गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होती है और किस कारण इनमें बैक्टीरिया नहीं पाई जाती है। आइए हम इन सारे सवालों का जवाब जाने। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि गंगा जी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसके बारे में हर व्यक्ति का अलग अलग अवधारणा है। कई लोग मानते हैं कि गंगा नदी का सोर्स उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के गौमुख नामक स्थान है, तो कोई मानते हैं कि गंगा नदी देवप्रयाग से शुरू होती है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। लेकिन हमारा मानना है कि जो लोग गंगोत्री गौमुख को गंगा नदी का सोर्स मानते हैं वो भी सही है, और जो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को गंगा का सोर्स मानते हैं वो भी अपने स्थान पर सही है। आइए इन्हें विस्तार से समझें। गंगा नदी भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा नदी है, जिनका उद्गम स्थल गंगोत्री गौमुख है और मुहाना बांग्लादेश में सुंदरवन बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर हमने गंगोत्री गौमुख को इसलिए गंगा नदी की उद्गम स्थल बताया है क्योंकि यदि आप किसी बुक में पढ़ेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ गंगा नदी का सोर्स प्लेस गंगोत्री हिमनद ही मिलेगा। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड विशेषतः धार्मिक महत्व के लिए ही जाना जाता है। इसके उत्तर में लगभग 7000 मीटर ऊंचे ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला है, जहां पर चारों ओर से पिघले हुए ग्लेशियर से अलग अलग नदियों की धारा निकलती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के क्षेत्र में चोखंभा, जनकूत, सतुपंथ, केदारनाथ, मेरू, शिवलिंग आदि पर्वत है। चोखंभा, मेरू पर्वत, शिवलिंग पर्वत के ग्लेशियर से पश्चिम की ओर भागीरथी नदी निकलती है, केदारनाथ पर्वत से दक्षिण की ओर मंदाकिनी नदी निकलती है और सतुपंथ पर्वत की हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है। ये सभी नदी आगे मिलकर गंगा नदी का रूप लेती है। ये तीनों नदी गंगा नदी का ही एक अलग अलग रूप है, जो एक ही क्षेत्र से निकलती है और सभी दिशाओं में बहते हुए फिर एक ही हो जाती है, और जहाँ पर ये एक होती है वहीं से इनको गंगा कहे जाने लगता है। यह जगह है देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, और इससे पहले अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी मिलती है। ये तो रही गंगा नदी की सिर्फ तीन मेन स्रोत धारा। इसके अलावा और भी छोटी बड़ी नदी है जो इनकी सहायक नदियाँ हैं, मगर इसमें भी तीन मुख्य नदी धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार है, जो मंदाकिनी नदी की तरह ही अलकनंदा नदी की मुख्य उपनदी है, जो स्वयं गंगा नदी की एक स्रोत धारा है। गंगा नदी अनेक नदियों से मिलकर बनी है, जिनमें अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी और भागीरथी नदी मुख्य है। ये नदियाँ मिलकर पंचप्रयाग का निर्माण करती है। प्रयाग उन स्थानों का कहा जाता है जहाँ पर दो नदियों की संगम होती है, यानी जहाँ पर दो नदी आपस में मिलती है। ये पंचप्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग है। सतुपंथ पर्वत की हिमनद से निकलकर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। इसी नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। आगे धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से मिलती है, जिसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। इसके आगे अलकनंदा नदी से नंदाकिनी नदी आकर मिलती है, जहाँ इस संगम को नंद प्रयाग कहा जाता है। फिर इसके आगे अलकनंदा नदी के बाएं तरफ से पिंडार नदी आकर मिलती है, इन संगम को कर्ण प्रयाग कहा जाता है। हम आपको बता दें कि तीनों नदी उत्तरकाशी के पर्वत श्रेणियों से नहीं बल्कि उत्तराखंड के पूर्वी पर्वत श्रेणियों से आकर अलकनंदा नदी से मिलती है। कर्ण प्रयाग के बाद आगे केदारनाथ पर्वत से निकली हुई मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से संगम करती है। इस संगम को रुद्र प्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी नदी पर ही
केदारनाथ धाम स्थित है। रुद्रप्रयाग के बाद अलकनंदा का संगम भागीरथी नदी से होती है और यह संगम पंच प्रयागों में से सबसे प्रमुख है। इस संगम को देव प्रयाग कहा जाता है और यहाँ से जो एक नई नदी का निर्माण होती है इन्हें गंगा नदी कहते हैं। उत्तराखंड के लोग भागीरथी नदी को ही गंगा नदी मानते हैं। भागीरथी नदी गंगोत्री के एक विशाल हिमनद से रिस-रिस कर गौमुख के एक विशाल गुफा से निकलती है। ये ग्लेशियर 25 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और ये नदी 205 किलोमीटर की दूरी तय करके देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और अलकनंदा नदी सतपंत से निकलकर 190 किलोमीटर की दूरी तय करके भागीरथी से मिलती है। देव प्रयाग से सिर्फ इस नदी का नाम चेंज होता है। असल में भागीरथी भी गंगा है, अलकनंदा भी गंगा है और मंदाकिनी भी गंगा है। ये सभी गंगा जी का ही दूसरा नाम है, इसीलिए गंगा का मेन सोर्स गंगोत्री है और नाम देव प्रयाग से है। आइए अब हम जानते हैं कि गंगा नदी में बैक्टीरिया क्यों नहीं होती है। दरअसल बात यह है कि गंगा हिमालय से निकलती है जहाँ पर जनसंख्या 9 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर प्रदूषण भी बिल्कुल नहीं है और इस नदी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है जो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को जीवित नहीं छोड़ते हैं, इसलिए गंगा में कोई हानिकारक जीवाणु नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इसमें गंधक सल्फर पाए जाते हैं जिसके कारण गंगा जल कभी खराब नहीं होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि गंगा जल अमृत के समान है। आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके ब्रेन में किसी भी प्रकार के विचार प्रश्न उठ रहे हैं तो हमसे जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।